okay dear now move to the third type of the bank that is the industrial bank what is the industrial bank the this bank is used to give short term medium term long term loan to the various types of industries in the country for example in pakistan that is आई डी बी पी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल बैंक का काम ये होता है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए काम करते हैं उसको डेवलप करने के लिए काम करते हैं अगर ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि एक्सपोर्टेबल गुड्स प्रोड्यूस करती हो जिसमें मुल्क को फायदा होता है फॉरन रिजर्व आते हैं तो इस तरह के बैंक के जो गवर्नमेंट बनाता है उनकी फंक्शन ये होती है कि इनको फैसिलिटेट करें उसको फंड्स प्रोवाइड करें उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पर्चा अगर उसको जरूरत पड़ती है उसके लिए फ़ंड प्रोवाइड करें अगर उसको इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए फ़ंड तो प्रोवाइड कर लोन प्रोवाइड करते हैं अगर उसके लिए मशीनरी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए सोफिस्टिकेटेड मशीनरी ऑफर करते हैं उसके लिए लोन वो देते हैं यानी मुख्तलफ़ एक्टिविटीज़ दैट इज़ परफॉर्म इन, इन द इंडस्ट्रीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट तो उसको फैसिलिटेट करते हैं उसको फैसिलिटेट इन द शेप ऑफ प्रोवाइडिंग द लोन टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर तो जब किसी कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर, वो उस कंट्री की इकोनॉमी भी डेवलप होती है वो कंट्री भी इकोनॉमिकली डेवलप होती है लेकिन अगर ये फैसिलिटीज ऑफर न करे तो वो उस कंट्री के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो फिर बैठ जाता है जो आजकल पाकिस्तान में अगर हम एग्जाम्पल देखें उसका तो ये जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज द द प्रोविजन ऑफ लोन टू इंडस्ट्रियल बैंक एंड दैट इज इन द पाकिस्तान विच इज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो ये इस किस्म के एक्टिविटीज uh, परफॉर्म करता है उस कंट्री के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और मुख्तलफ चीज़ों के लिए वो मुख्तलिफ लोन ऑफर करते हैं वो शॉर्ट टर्म लोन हो गए वो मीडियम टर्म लोन हो गए या वो लॉन्ग टर्म लोन हो गए वो उसके लिए ऑफर रखा है ताकि वो मशीनरी को परचेज़ करे वो इक्विपमेंट्स को परचेज़ करे वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करे वो रॉ रा, मटेरियल को यूज़ करे वहाँ पर मुख्तलिफ फ़ैसिलिटीज़ ऑफर करे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वो कर वहाँ पर एम्प्लॉज़ के लिए वर्किंग कंडीशन बनाए वहाँ पर एम्प्लॉज़ को पेमेंट करनी पड़ती है उसको खुश करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ों की जब ज़रूरत होती है इस किस्म के इंडस्ट्रीज सेक्टर को तो वो सो द इंडस्ट्रियल सेक्टर नाउ द डोर ऑफ द इंडस्ट्रियल बैंक एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोवाइड द लोन टू सच सेक्टर नेक्स्ट जो है दैट दैट इज इज द द फोर्थ ऑन एग्रीकल्चर बैंक तो इट्स क्लियर फॉर नेम एग्रीकल्चर बैंक का काम क्या होता है प्रोवाइड द लोन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक फॉर फिशिंग फॉर बी फार्मिंग शीप फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग सीड्स फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर मशियाँ एंड देट इज़ द एग्जाम्पल इन पाकिस्तान ए डी बी पी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान आजकल इसको कहते हैं जरिय तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको कहते हैं तो एग्रीकल्चर जो जो बैंक इस किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो लोन देते हैं अगर कोई बंदा चाहता है कि यार मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ फिशिंग का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो वो ये बैंक उसको लोन देता है देता है वो उस बैंक से लोन ले सकता है और ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है अगर कोई कहता है कि मैं बी फार्मिंग स्टार्ट करता हूँ यानी हनी बी इस किस्म का एक बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो ये बैंक उसको क्या करता है लोन ऑफर करता है अगर कोई कहता है कि मैं शीप फार्मिंग बेड़ बकरियाँ इस किस्म का बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ उसकी बाइंग एंड सेलिंग हो मेरे पास हो तो यहाँ पर ये जो चीज तो उसको ये बैंक लोन ऑफर करता है पोल्ट्री फार्मिंग होती है से जो जहाँ पर ये चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है तो यहाँ पर अगर कोई करना चाहे उसके पास पैसे नहीं हो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये एग्रीकल्चर बैंक उसको ऑफ़र करता है इस तरह जो फार्मर्स होते हैं पुअर फार्मर होते हैं हमारे इलाकों में तो बहुत पुअर फार्मर होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते ना उसकी एक्सेस होती है अच्छे सीड्स की तरफ तो यहाँ पर ये इन्हीं बैंकों से लोन लेते हैं और इससे अच्छे किस्म के सीट परचेज करते हैं और उसके थ्रू परचेज करते हैं यानी जो फंड उन से लेते हैं और उसकी फिर प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है जैसे गंदम की वो सीड्स हो गई या वो मेज़ की सीड्स हो गई या किसी दूसरी चीज़ों के सीड्स हो गए फर्टिलाइजर्स होती हैं यूरिया वगैरह एग्रीकल्चर मशीनरी की जरूरत फॉर एग्जाम्पल उसके लिए त्रेशर की ज़रूरत होती है उसके लिए ट्रैक्टर की जरूरत उसके लिए और इस तरह की फार्मिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है तो उनके पास तो पैसा नहीं होता तो वो लोन ले सकते हैं एग्रीकल्चर बैंक या एग्रीकल्चर बैंक इन्हीं लोगों को इन चीज़ों के लोन ऑफ़र करता है तो जो अगर इफ़ यू टेक द एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान सो दैट इज़ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान पहले इसका नाम है नेम इज़ जरि तरीकेत बैंक ऑफ पाकिस्तान